ओमिक्रॉन से जरा बच के। जी हाँ, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब कई राज्यों में फैल चुका है। बता दें कि इस नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार बैठक कर इस वेरिएंट की जानकारी ले रहा है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 20 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सभी मरीजों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ये सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ 2 मरीजों को बेहद हल्का बुखार है और गले में हल्की खराश है। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी है। फिलहाल मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली में 20 मामले देखने के लिए मिले हैं ओमिक्रॉन के, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें किसी में हल्के बुखार के लक्षण हैं और किसी में हल्के गले में खराश है, बाकी गंभीर लक्षण किसी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी को भी आईसीयू में भर्ती नहीं कराया गया है। तो ओमिक्रॉन का साया है और देश भर में परेशानी ये लेकर आया है। परेशानी इसलिए क्योंकि दूसरी लहर में देश ने त्राहिमाम देखा था। ओमिक्रॉन की रफ्तार बेहद तेज है। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। ओमिक्रॉन का असर क्या वैक्सीन होगी बेअसर? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते ग्राफ ने चिंता बढ़ा दी है। जैसे जैसे ओमिक्रॉन का ग्राफ बढ़ रहा है वैसे वैसे आम जनता की चिंता भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये लाजमी है क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं देखी गई थी, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान चली गई थी। हालांकि राज्य सरकारें ऐसा नहीं मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से मरीज तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए और कई लोगों ने अपनों के सामने दम तोड़ दिया। दूसरी लहर ने देश भर में कहर बरपाया था। तो ओमिक्रॉन के कुल 97 मामले हैं। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17, दिल्ली में 20, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 7, केरल में 5, गुजरात में 5, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1। ये मामले हैं जो अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17, दिल्ली में 20, कर्नाटक में 8, यानी 11 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर ओमिक्रॉन आ चुका है और ये धीरे धीरे अब पैर पसार रहा है। वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर किस तरह के गाइडलाइंस हैं वो भी आपको बता रहे हैं। 16 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। 50% क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के आयोजकों को पूरी तरह वैक्सीनेट होना जरूरी है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो कार्यक्रम नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा और भी गाइडलाइंस पे जानकारियां हैं। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन रहना होगा, भले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो या नेगेटिव आई हो, उन्हें क्वारंटीन में रहना ही होगा। तो ओमिक्रॉन का साया लगातार देश की परेशानी बढ़ा रहा है। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्यों में पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र की नई गाइडलाइंस किस तरह से सामने आई है हमने आपको बताया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में जारी गाइडलाइंस कुछ इस तरह है कि 16 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। 50% क्षमता के साथ आयोजित कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के आयोजकों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की RT-PCR बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों को क्वारंटीन रहना होगा, भले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। टेस्टिंग लगातार बढ़ा दी जा रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ओमिक्रॉन को रोका जा सके। डॉक्टर अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। डॉक्टर अंकुर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम मुझको आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर अगर ओमिक्रॉन की हम बात करें तो 11 राज्यों में फैल चुका है, एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में जो स्टडी की गई है उससे ये साफ है कि जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें करीब 18
शख्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, दो शख्स ऐसे हैं जिनमें हल्का बुखार है और हल्की गले में खराश है। यानी इससे ये तय है, फिलहाल जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये तेजी के साथ फैल तो रहा है लेकिन डेथ रेशियो इसमें ना के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी गाइडलाइन जारी की गई है, जो भी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें जो सीवियरिटी है वो बहुत कम है, इसलिए सभी लोगों को ये बताया जा रहा है बार बार कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हों, SMS का पालन करें। SMS का मतलब है कि सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है उनको सीवियरिटी इतनी नहीं देखी जा रही है जितनी कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड लोगों को है, और सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इम्यूनिटी पावर कम है तो उसको सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, और अगर किसी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है और उसको एंटीबॉडीज अंदर है और वैक्सीनेटेड हो चुका है तो उसको सिम्टम्स इतने नहीं आएंगे। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। सावधानियां बरतने के लिए क्या क्या करना होगा? सावधान रहने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय जो सबसे बेसिक टूल है इसके ट्रीटमेंट का वो वैक्सीनेशन है, जो कि सभी हेल्थ पोस्ट पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्रीली अवेलेबल है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड सभी जगह लगाई जा रही है, सभी लोग वैक्सीनेटेड कराएं। दूसरा क्या है कि ऐसे में इसका एटलीस्ट पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का यूज करें, और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी लक्षण अगर आता है तो वो उसको छुपाए ना, अपना एंटीजन RT-PCR कराए, अपने पेशेंट को लेके विजिट कराए किसी भी नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पर और उसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल कराए, और वैक्सीनेशन पर बहुत जरूरी ध्यान दें। बिल्कुल डॉक्टर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये तो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है तो कुछ लोगों को वैसे ही वायरल हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे में कैसे पता लगाया जाए कि ये जो लक्षण हैं वो ओमिक्रॉन के हैं या ये हल्का सिर्फ मौसमी खांसी जुकाम है या बुखार है? देखो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, एक नॉर्मल कोल्ड फीवर तब के भी सिम्टम है, तो हमें RT-PCR कराना चाहिए, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो भी फ्रीली अवेलेबल है सभी हेल्थ पोस्ट पर, तो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद एटलीस्ट हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल कोल्ड है कि या कोविड की तरफ जा रहा है। और जो जैसा कि आपने कहा कि अभी भी लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, ये सभी लोग पड़ेगा कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट इस समय सक्सेसफुल है और कारगर है तो उसके लिए वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन अगर नहीं कराते हैं तो हम अपने आप को, अपने परिवार को और बिल्कुल अपने देश को भी हम उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब कोरोना आया था और फिर उसके बाद जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो लगातार डॉक्टर से सलाह दे रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, खासकर कि जो मासूम बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। बुजुर्गों की बात की जाए तो उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो ऐसे में खान पान में किस तरह का बदलाव किया जाए क्योंकि ठंड का मौसम भी है? बिल्कुल बिल्कुल, खान पान के लिए हमें जो रूटीन वर्क कि हमारे को बहुत सारे कोल्ड चीजें नहीं खानी है, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो हमें ऐसे इम्यून बूस्टर, जैसे कि जो नेचुरल, जो नेचर के अकॉर्डिंग जो ऐसे इम्यून बूस्टर हमको हम ले सकते हैं, गर्म पानी पिए, ऐसे बहुत सारे इम्यून बूस्टर, नेचुरल हर्बल इम्यून बूस्टर अवेलेबल है। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि इम्यून बूस्टर के साथ साथ में वैक्सीनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर थिंग्स। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर से यही पूछूंगी कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज भी ले रखी हैं, वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वैक्सीन कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं है, वैक्सीन प्रभावी है और इसी वजह से भारत जो है कहीं ना कहीं नंबर वन बना हुआ है वैक्सीनेशन में, लेकिन दोनों डोज लेने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो अगर आप ओमिक्रॉन संक्रमित भी हो जाते हैं तो भी ज्यादा खतरा आपके लिए नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखो संक्रमण होना एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मिनट के लिए कोई हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो हम उसको लाइफ टाइम तक अब कुछ हमें होगा ही नहीं। वो डिपेंड करता है कि जो उसको इंफेक्शन लग रहा है वो कितना सीवियर है और उसकी बॉडी की जो कहीं हद तक ये देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनको संक्रमण हुआ है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका जो एक इंफेक्शन की जो सिवियरिटी है वो कि बच्चों की वैक्सीन के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो बच्चों में हम नियमित टीकाकरण करते हैं जिसमें वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो जो हमारी एक रूटीन इम्यूनाइजेशन हम करते हैं बच्चों में वो अवेलेबल है, वो भी हेल्पफुल है वायरसेस के लिए। जैसे निमोनिया जो है वो मेनली कॉज है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, निमोनाइटिस हो जाती है, लंग्स को प्रभावित करता है जो कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन भी है। बच्चों में पीसीवी वैक्सीन अवेलेबल है, रूटीन इम्यूनाइजेशन लोग कराते रहे अपने नियरेस्ट सेंटर पे जब तक कोई भी गाइडलाइन नहीं आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं, जब तहकीकात की गई, स्टडी की गई, तो ऐसा पता चला है कि जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव होकर फिर वो उभरे हैं, उनमें खतरा जो है ओमिक्रॉन संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको अपनी देखभाल किस तरह से करनी होगी, क्योंकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, ये अगर बात की जाए तो शादियों का सीजन चल रहा है, लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में जा रहे हैं, ऐसे में गैदरिंग भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनमें चांसेस ज्यादा हैं, वो इसलिए है कि जब एक बार किसी भी इन्फेक्शन का इफेक्ट हमारे ऑर्गन पे पड़ जाता है, लंग्स पे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसको एक वीकनेस वहाँ पे आ जाती है, चाहे वहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, उसको निमोनिया हुआ है, तो क्या होगा कि अगर उसने अभी प्रॉपरली अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है या अपनी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो उसको इन्फेक्शन ओमिक्रॉन के होने के चांसेस और कोविड के भी बहुत ज्यादा है। अभी मैं बात करूं कि मैं पुलिस लाइन जो हेल्थ पोस्ट में वहां पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूं और मैं 4 यूपीएससी का नोडल भी हूं मेरठ के अंदर, और देखा है कि हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमारे जो सीएमओ सर हैं, डीआईओ जी लेकिन जो लापरवाही हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की जरूरत है। लापरवाह नहीं होना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, तमाम और भी चीजें हैं जिसको लेकर हमें आगे ध्यान देना है कि किस तरह से आगे हमें कदम उठाना है, किस तरह से हम आगे बढ़ें और किस तरह से इस जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन कोरोना का, इसका खात्मा कर सकें।